الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا المجتبى بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زی وقار علماء ملت اسلامیہ، شورائے اسلام، غریب نواز کانفرنس میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، عزیز طلبہ، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر عقائد و جہاں سردار عالم و عالمیہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر ہدیے درود پاک پیش فرماتے ہیں. اب یہ مقتدی نہیں رہیں گے بلکہ یہ
मुतदा और पेशवा होंगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इन सब को बेहतरीन आलिम नबील बनाए, फाजिल जलील बनाए, अच्छा हाफिज कुरान बनाए, जुबान की गिरहों को अल्लाह ताला खोल दे, सीने को कुशादा फरमा दे। और रब की बारगाह में खुसूसियत के साथ दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम इन सब को तक़वा परहेजगारी पर हमेशा कायम रखे। बहरहाल माहौल तो ऐसा नहीं कि अब इसमें कोई खिताब किया जाए, तो बिल्कुल दुआ वाला माहौल है ना। क्या भाई दुआ कर दी जाए? ठीक हुआ हुए आप लोग खुलेंगे कुछ मकान सुनवा हुए जो कब्रस्तान बन चुका है, तो है आप लोग क्या चाहते हैं बताइए? कसम खा के बैठे हुए हैं क्या? कितने लोग नहीं सुनना चाहते? हाथ उठा के बताओ ना। 100% लोग समय में बात आई कि नहीं आई? वाणी साहब अली रहमा इस इलाके में तशरीफ लाते थे, हुजूर अशरफ औलिया तो खिताब जो फरमाए और दरमियाने गुफ्तगू पूछ रहे कि भाई कुछ समझ में आया? तब यहाँ के पुराने लोग यही कहते थे कि फम नहीं है ना, या बोलते हैं फम बोलते हैं फम है। सारी तकरीर में एक फम का फम ऐसा गिरता है जो सब खत्म हो जाता है ना। अच्छा आप सही सही बताओ, सुनोगे कि दुआ कर दी जाए? बस कितने लोग नहीं सुनेंगे? हाथ उठा के बताओ ना। तो अभी भी नहीं समझता। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين। मशहूर व मारूफ आयत करीमा तहकीक के तुम्हारे दरमियान आया नूर और रोशन किताब। इसमें बड़ा इख्तिलाफ रहा है। ये जो तकवीतुल इस्लाम मदरसा रखा गया नाम इसीलिए क्योंकि उससे पहले एक किताब आई थी जिस किताब का नाम था तकवीतुल ईमान, जिसने हुजूर के नूर होने का इनकार कर दिया, उसी के मुकाबले में इस मदरसे का नाम तकवीतुल इस्लाम रखा गया। हुजूर के ताल्लुक से तरह तरह की भांत भांत की बातें लिख लिख करके आम कर दी गई। हमारे बुजुर्गों ने बड़े मुकाबले किए और उसी मुकाबले का एक नतीजा ये मदरसा गौसिया तकवीतुल इस्लाम भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत से जो इनकार करते वो काफिर, और जो हुजूर की बशरियत का इनकार करे वो भी काफिर। हुजूर नूर भी है और हुजूर बशर भी है। अब हुजूर की नूरानियत के ताल्लुक से कुछ समझना पड़ेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आने वाले नबी का नाम ईसा अलैहिस सलाम है। ये ईसा अलैहिस सलाम अपनी जात में अल्लाह का करिश्मा रखते हैं और रसूल का मोजज़ा रखते हैं और एक वलिया की करामत भी रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बशर है। आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत मरियम
बड़ी परहेजगार थी और सिर्फ आबिदा जाहिदा ही नहीं रही बल्कि आप बाकिरा भी थी। हजरत मरियम को अल्लाह ने चुना और जिब्रील अला नबीना नहीं तो ये तो बसना को हुक्म देकर भेजा कि ए जिब्रील जाओ और मरियम के बदन पर फूंक मारो। हजरत जिब्रील अलैहि सलाम तशरीफ लाए, आपने बदन पर फूंक मारी जिसके असर से हजरत ईसा अलैहि सलाम हजरत मरियम के बदन में जहूर पजीर हो गए। ये अल्लाह का करिश्मा है, वरना निजाम कुदरत तो ये है कि जब तक के मेल फीमेल का आपस में मिलन नहीं हो, निगेटिव पॉजिटिव का आपस में फसाद नहीं हो, वाई सेल और एक्सेल का आपस में झगड़ा नहीं हो, किसी के वजूद का चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो चाहे वो न्यूट्रल जेंडर हो, उसकी तकलीफ उसी वक्त होगी कि जब आपस में एक दूसरे का फसाद हो, मिलन हो, फसाद भी हो, मुलाकात भी हो, फसाद भी हो। अल्लाह की ये कुदरत है कि उसने आदम और हव्वा से इंसान को इस दुनिया में जाहिर फरमाया और यही कज़िया कुल्लिया बना रहा और कयामत तक बना रहेगा कि इंसान का वजूद आसमानों से नहीं होगा, जमीन के अंदर से नहीं होगा, पानी पर से नहीं होगा, इंसान का वजूद मां के शिकम से ही होगा, मां के शिकम से ही होगा। किसी मर्द और औरत के आपस में इत्तेफाक की बुनियाद पर ही मर्द का इंसान का वजूद होगा, लेकिन ये खुदा की कुदरत है, उसका करिश्मा है कि उसने हजरत ईसा अलैहि सलाम को बगैर बाप के पैदा फरमाया। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ ही साथ घंटी के बटन को प्रेस कर लेना ताकि इस तरीके से हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।